अमेरिकी टीवी सीरीज रियल हाउसवाइफ्स के स्टार मैथ्यू बायर्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मैथ्यू बायर्स का 37 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने सुसाइड कर लिया है। द सन की रिपोर्ट की माने तो मैथ्यू ने 21 नवंबर को सुसाइड कर लिया। उनके निधन से फैंस और फिल्म इंडस्ट्री को धक्का लगा है। दोस्त और परिवार के लोग भी इस टाइम पर सदमे में है। 37 साल के मैथ्यू बायर्स ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। स्पोक्स पर्सन ने बताया है कि मैथ्यू बायर्स की मौत मल्टीपल ब्लंट फोर्स इंजरीज की वजह से हुई। देखकर लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुसाइड की बात कंफर्म हो गई है। मैथ्यू बायर्स की दोस्त और रियल हाउसवाइफ्स ऑफ न्यू जर्सी स्टार मेलिसा गोर्गा ने उनकी मौत पर शोक जताया। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट लिखा। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, मैट तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मेरा दिल टूट गया है। तुम्हारी पर्सनैलिटी कमाल की थी, तुमने स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहिए था। मैं जानती हूं ये तुम्हारा सपना था, मेरा दिल टूट गया मैट। मैथ्यू बायर्स द रियल हाउसवाइव्स ऑफ पोटोमैक के तीसरे सीजन में नजर आए थे। उन्हें शो की कास्ट मेंबर केरेन ह्यूगर ने मिलवाया था। वो रियल हाउसवाइव्स के उस एपिसोड में नजर आए थे जिसमें केरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर फैली अफवाहों पर सफाई दी थी। मैथ्यू बायर्स की मौत के बाद से एक बार फिर मेंटल हेल्थ पर बहस छिड़ गई है। साथ ही इस पर भी बातें शुरू हो गई हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पर्दे के पीछे काम करने वाले कितना प्रेशर झेलते हैं। मैट बायर्स ओटीटी की फेमस वेब सीरीज रियल हाउसवाइव्स ऑफ पोटोमैक में नजर आए थे। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा और अमेजोन प्राइम पर मौजूद है। इस वेब सीरीज को साल 2016 में रिलीज किया गया था जिसके अब तक 9 सीजन आ चुके हैं।